हेलो पीपल, व्हाट्स अप। तो कल मैं आया था कालाइन और अभी मैं जा रहा हूँ मालेडोर, और अभी शाम का 4:30 होने को है। मालेडोर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एक कज़िन है वो आया है थर्सडे को, तो वो भी चला जाएगा वेडनेसडे वापस। उसको एक जॉब मिला है स्टार्समैन पे वहाँ पे, तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत उससे मिलने। और मौसी का तबीयत भी कुछ सही नहीं था, कुछ दिन पहले वो सिलचर गई थी, हॉस्पिटल पे थी मतलब, तो इसी बहाने मौसी का भी थोड़ा हालचाल पूछ लूँगा और मेरा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और एक मेरा छोटा मोटा ब्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि मैं कैमरा लेके जो निकल कर आता हूँ फिर ब्लॉग तो बनना ही था। और इस रोड पे तो मैं आता रहता हूँ क्योंकि हर फ्राइडे को मैं कालाइन पे आता रहता हूँ काम से, और कुछ दिनों में मैं कालाइन पे शिफ्ट भी हो जाऊँगा। अब तक तो यही लग रहा है और लगना भी किया है मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अपना। और इस रोड पे मैं आता हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं आता हूँ तो मैं अपने पापा को लेके मैं थोड़ा सामने जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत काम रहता है सामने भी, तो इसी रोड से जाना पड़ता है। और लास्ट जब मैं गुवाहाटी गया था तब मैं मालडोर होके गया था, उसके बाद मैं इस तरफ आया ही नहीं। मैं आप मतलब एक जगह है वहाँ पे राजपुर, वहाँ तक आता था सिर्फ, उसके बाद सिर्फ मैं नहीं जाता था उधर से। तो मालडोर बहुत दिन के बाद जाऊँगा, मतलब सेप्टेम्बर को मैं आया था, उसके बाद मैं गया नहीं, तो आज जा रहा हूँ। पूरा विंटर एक राइड मतलब सही से नहीं कर पाया, मतलब राइड का प्लान बना था फिर कैंसिल हो गया, और अभी एक छोटा मोटा राइड का प्लान बना है मेरा जो हार्डली 2 दिन का रहेगा शायद, तो बस देखते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल मैं सोलो जाने का प्लान पे हूँ। काफ़ी सुंदर जगह है जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, तो सोलो जाऊँगा मैं, तो अभी देखता हूँ क्या होता है। मार्च को जाऊंगा मैं, अभी तक तो मैं श्योर हूँ मार्च को, क्योंकि विंटर में मेरा कोई राइड मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, सब कुछ प्लेन कैंसिल हो गया। और इसी बहाने से मैं कैमरा लेके निकला था कि आज अगर यहाँ पे जाता हूँ तो एक छोटा मोटा ब्लॉग बन जाएगा मेरा बाइक लेके, मतलब एक छोटा मोटा मेरा राइड भी हो जाएगा और फिर मेरा एक ब्लॉग भी हो जाएगा। क्योंकि मालेडोर जो है वो मेघालय के बॉर्डर पे है, मतलब मेघालय का बॉर्डर और मालेडोर एक ही जगह पे है। एक ब्रिज होता है, ब्रिज है वहाँ पे, उसके आर पार है, मतलब ब्रिज के इस पार है आसाम, उस पार है मेघालय, तो मैं वो ब्रिज कवर करने की कोशिश करूँगा अगर रात ना हो आज, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तो शाम हो गया है। मैं जाने के बाद मैं कहाँ जा पाऊँगा और आप लोगों को क्या दिखा पाऊँगा मुझे वो भी नहीं पता अच्छी तरह से। और मेरा ABS का लाइट का आप लोग मतलब टायर तो मैंने चेंज कर लिया है, आप लोगों ने तो वो वीडियो देखा है, लेकिन मेरा जो ABS का लाइट है वो अभी तक चल रहा है। क्योंकि कभी ऐसा मुझे मतलब मैंने एक जहाँ पे मैं काम कर रहा था हूँ वहाँ पे मतलब एक भैया है मेरा, तो भैया ने कहा है कि ABS का प्लेट में कुछ प्रॉब्लम होगा इसी कारण से तुम्हारा ABS का लाइट में थोड़ा सा मतलब ABS काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो मैंने सर्विस सेंटर छोड़ के मतलब सारे डीलर्स को भी ढूंढ लिया, बजाज का शोरूम वगैरह सब कुछ, लेकिन मुझे ABS का वो सेंसर प्लेट कहीं नहीं मिला। तो कभी कभार ABS काम करता है, ऑफ हो जाता है, लेकिन अभी तो ऑन है, मतलब ABS काम नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात का, क्योंकि जब तक ABS काम करता है, वरना अपने ऊपर तो फुल कॉन्फिडेंस है मेरे को, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अपने बाइक को रोक पाऊँगा। ये देखिए मतलब ये सब रास्तों पे, मतलब मैं जब भी गाड़ी गया था तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये सब रास्ते पर मतलब गाड़ियों का कोई मतलब ठिकाना नहीं, मतलब कैसे भी आ जाते कभी भी कोई भी। अभी तो मैं ओवरटेक कर रहा था इसलिए आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन ये रोड पे ऐसा ही है कि कभी भी कोई भी आ जाएगा, आपको ओवरटेक कर लेगा, आपका राइट साइड से आ जाएगा, कोई लेफ्ट से नहीं आएगा, मतलब कुछ भी चलता रहता है इस रोड पे। और ये वीडियो को मैं सिलचर जाके अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा घर है यहाँ पे वाईफाई नहीं है, तो मैं यहाँ पे वाईफाई, मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा तब मैं वाईफाई वगैरह सब कुछ लगाने का कोशिश क्या, वाईफाई तो लगाना पड़ेगा, वो तो एक आजकल बेसिक नीड्स हो गया है ह्यूमन का, वाईफाई, रोटी कपड़ा मकान और साथ में वाईफाई, अब तो ये है। तो वाईफाई वगैरह लगाने के बाद से मैं यहीं पर जब रहूँगा तो यहाँ से ही वीडियो अपलोड करूँगा। बस वो कब आऊँगा मैं उसका बात छोड़ो, अभी बस इस रोड को मैं थोड़ा बहुत एंजॉय करता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ इस रोड से। मेघालय वाला भाई बताइए इस रोड पे मतलब काफ़ी।
सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। अभी आज एक्चुअली मैंने जो वीडियो पीछे पहले बनाया था वो था संडे को, तो आज ट्यूसडे है, सॉरी सैटरडे था वो जिस दिन मैं एक वीडियो शूट किया था मैंने। एक्चुअली हुआ क्या था, रात को मैं आया था तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, तो संडे को सुबह सुबह मुझे जाना पड़ा, तो मैं यहाँ पे था नहीं। तो अभी आज आया हूँ मैं यहाँ पे, दोपहर को आया था, तो अभी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके अभी मेघालय की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे एक अच्छा सा एक वाटरफॉल है सुना मैंने, अगर हम लोगों को जाने देते हैं लोकल्स वहाँ के, तब जाके मैं वहाँ का वो वाटरफॉल में जाऊँगा, आप लोगों को वाटरफॉल दिखाऊँगा कैसा है। तो सैटरडे से आज ट्यूसडे, तो अभी 3 दिन से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब उस दिन बनाया था उसके बाद तो बंद कर दिया था। और ये सब जगहों पे आने के साथ साथ मेघालय का वो रोड वाला फील आ जाता है, क्योंकि मेघालय का जो रोड है वो मतलब उस रोड का फील अलग है। वो रोड मतलब बस वो रोड पे मतलब बाइक चलाने का राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे बस यही सावधान रहना पड़ता है कि सामने से ट्रक कैसे भी आ जाते हैं, बाकी सब रोड पूरा बढ़िया रहता है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। रोड ज़्यादा टूटा फूटा भी रोड ज़्यादा रहता नहीं है, थोड़ा बहुत जगह पे टूटा फूटा रहता है। वो जो पहाड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है सामने वो मेघालय है। तो अभी देखते हैं, अगर हम लोगों को लोकल लोग यहाँ के अगर हम लोगों को वाटरफॉल पे जाने देते हैं तो मैं आप लोगों को वो वाटरफॉल ज़रूर दिखाऊंगा। और ये रहा मेघालय, ये देखिए वो मेघालय है, और नीचे है मेघालय का वो पार्ट, वो रहा अपना मेघालय बॉर्डर। और मेरा ABS का लाइट तो छोड़िए, कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। तो मक्खन रोड है यार, मैं जब सितंबर को गया था मुझे बहुत तकलीफ हुआ था इस रोड पे बाइक चलाने में, पर आज मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ मैं आया हूँ इस रोड पे। अब मेरे साथ मेरा और एक कज़िन है जिसको मैंने शायद कभी वीडियो पे दिखाया नहीं है, तो वो है आज मेरे साथ। ये रोड देखिए गाइस, वो क्या व्यू है यार, मतलब मेघालय का बात ही कुछ अलग है, मेघालय का फील ही कुछ अलग है। जो बंदा एक बार मेघालय राइड करता है वो दोबारा मेघालय राइड के बारे में सोचता है। तो बहुत जल्दी मैं भी निकलने वाला हूँ राइड के लिए, पहले भी मैंने कहा था, तो बस अभी आ गए हम लोग मेघालय बॉर्डर पे। आप लोगों को यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ मैं पहले। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं किस लिए आया था यहाँ पे, तो मेन रोड से मैं एक कच्ची रोड को लेके अंदर आया, एक अच्छा स्पॉट मिल गया मुझे। और मेरा जो मेन मोटिव था वो था एक वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल का नाम मैं भूल गया। तो वहाँ पे हम लोगों को लोकल लोगों ने हम लोगों को जाने नहीं दिया, कहा कि कुछ दिन पहले वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो एक लड़की की डेथ हो गई, तो तब से वो एरिया एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया हुआ है। तो अभी किसी को मुझे मतलब किसी का बात को मैं टाल के नहीं जाना चाहता वहाँ पे, तो हम लोगों ने वो वाटरफॉल जाना कैंसिल कर दिया। और एक अच्छा लोकेशन मिल गया है हम लोगों को, ये देखिए पूरा, ये रहा मेरा कज़िन एक्चुअली। और एक्चुअली इसके लिए मैं आया था मालेडोर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मालेडोर का थोड़ा खूबसूरती दिखा दूंगा, मेघालय बॉर्डर जो है इसी कारण से। तो ये सब पूरा मतलब नेचर, मतलब सब चारों तरफ बस माउंटेंस ही माउंटेंस है, और नीचे एक नदी है, मैं आप लोगों को वो नदी दिखाता हूँ। वो नदी एक्चुअली मालेडोर से होके मेघालय होके आसाम मेघालय या फिर बांग्लादेश जाता है ये नदी। ये रहा वो नदी, मैं ज़्यादा करीब नहीं जाऊँगा। पहले यहाँ पे एक ब्रिज हुआ करता था, मैं जब पहले आता था तो अब एक ब्रिज हुआ करता था, लोहे का एक ब्रिज होता था, वहाँ पे जाके हम लोग बैठते थे, सोरा वगैरह चील वगैरह करते थे, चील वगैरह मारते थे। अभी तो वो ब्रिज भी हटा दिया है उन लोगों ने, अब बस ये नदी है। मैं आया था इसी कारण से, मैंने सोचा कि चलो अगर वहाँ पे जा नहीं पाया तो इस ब्रिज के बारे में कुछ बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन वो ब्रिज भी हटा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो में मुझे और कुछ दिखाने लायक मिलेगा। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो मैं भी आया यार इतने दूर आके, जिस रीज़न से मैं आया था, जहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करना था वो मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला नहीं। और अगर मैं ज़बरदस्ती अगर बिना बताए छुपा के चला भी जाता, अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अगर कंप्लेंट कर देता मेरा वीडियो को देख के, तो मेरे ऊपर मतलब एक्शन वगैरह ले सकते एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी कारण से मैं नहीं जाना चाहता, जो जगह एडमिनिस्ट्रेशन ने सील किया हुआ है बस सील रहने दीजिए, मुझे किसी को हम ही नहीं करना है, और किसी का बात टालना भी नहीं है, मतलब सेफली और सब कुछ करना है, मतलब
राइड करना है, एक्सप्लोर करना है हर जगह, लेकिन सब कुछ सेफली करना है, लोकल लोगों की बात सुन बन के। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ज़रूर से मेरे को वीडियोज़ पर कमेंट करके मुझे बताना आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मैं वो चीज़ को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो गाइस चलिए बाय बाय, और आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद शायद से नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को राइड्स का मिलेगा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। प्लानिंग काफ़ी ज़बरदस्त बन रहा है मेरा। तो गाइस चलिए बाय बाय, टाटा।